Hi, Cancer, and welcome to Floral Tarot Reader. How you guys are doing, Cancer? Cancer, thank you so much. जिसने भी मेरा चैनल सब्सक्राइब किया, it really means a lot. Cancer, by the way, up to 40% off है पर्सनल रीडिंग में. जाओ जाके जल्दी से, मुझे एक्चुअली ठीक होने वाली है. ओके, जाओ जल्दी से जाके अपनी पर्सनल रीडिंग बुक कराओ. अप टू 40% ऑफ है. व्हाट्सएप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट सेक्शन में मेंशन है. हाय भेजो, सारी डिटेल्स आपको मिल जाएगी. लेट्स चेक योर अक्टूबर मंथ कैसा रहने वाला है. ये वीडियो दो पार्ट में डिवाइडेड है, जनरल रीडिंग एंड लव लाइफ रीडिंग. टाइम स्टैम्प नीचे मेंशन है. ओके कैंसर, लेट्स चेक. बहुत टाइम बाद एंजल मैसेज चेक करेंगे. लेट्स सी एंजल साइडिंग्स एंसेस्टर्स मैसेज फॉर कैंसर. महा महावतरा बाबा जी, सोल एक्सपेंशन. योर कॉन्शियसनेस इज एक्सपैंडिंग. यू अंडरस्टैंड द कनेक्शन बिटवीन ऑल थिंग्स. कैंसर, वैसे भी आप वाटर साइन एनर्जी के हो, विच मीन्स दैट आपका जो एक इनर विजडम होता है ना, एक इनर विजडम. इनर विजडम का मतलब क्या होता है? आपका जो अंतरात्मा, आपका जो जिस तरह से आप लोगों से बात करते हो, लोगों से को अंडरस्टैंड करते हो, अपने आप को अंडरस्टैंड करते हो, वो अंडरस्टैंडिंग लेवल बढ़ने वाला है. नंबर टू, आपका जो, हाँ, यही एक अंडरस्टैंडिंग लेवल, एक एम्पथी लेवल ना, आपका बहुत इंक्रीज होने वाला है. कैंसर, आप बहुत, वैसे भी आप बहुत ही इमोशनल केयरिंग किस्म के होते हो, विच मीन्स दैट आपका और वो जो इमोशन केयरिंग वाला पार्ट है, जो फेमिनिन एनर्जी जो कैंसर के अंदर होती है, वो और बढ़ेगी. आप लोग अपने ना सोल का जो पर्पस है, जो आपका लाइफ का पर्पस है, उससे आप जल्दी रूबरू होगे. अक्टूबर मंथ में आप और इनर डेवलपमेंट होगा आपका, आपका इनर विजडम, आपका ऑरा, आपका आपका रहने का तरीका, एक जो वाइब है आपकी, एक जो ओवरऑल एनर्जी लेवल है, वो एकदम काम, गुड, अच्छी रहने वाली है. सो कीप इट अप विद दैट एनर्जी. लेट्स चेक एनर्जी ऑरेकल से क्या मैसेज आता है कैंसर्स के लिए. टेंपल पाथ, ओह माय गॉड, मतलब बोथ दीज कार्ड्स आर सिमिलर. मतलब टेंपल पाथ का मतलब ही यही होता है कि यू विल गो टुवर्ड्स द रूट ऑफ स्पिरिचुअलिटी एंड रिलीजन. ग्रेट एनर्जी. टेम्पल पाथ हायरोफेंट का गार्डन, मुझे वही लग रहा है. आप स्पिरिचुअलिटी की तरफ या रिलीजियस एक्टिविटीज़ की तरफ काफ़ी बढ़ने वाले हो कैंसर दिस मंथ. ग्रेट एनर्जी, कीप इट अप विद दैट एनर्जी. जो लोग सोच रहे हैं कि अब शायद मुझे स्पिरिचुअलिटी की तरफ आ जाना चाहिए, मे बी रीडिंग सम बुक्स, मे बी प्रैक्टिसिंग मोर मेडिटेशन, मे बी प्रैक्टिसिंग माइंडफुलनेस, इट्स टाइम. आपके एंजल्स बोल रहे हैं कि अब आप आ जाओ इस दुनिया में. लेट्स चेक टैरो से. बाय द वे, ये है मेरी न्यू टैरो डेक, द टेंसिल टाउन टैरो. मेरा कुत्ता भौंक रहा है. लेट्स चेक एंजल्स, हाई विंग्स, एंसेस्टर्स मैसेज फॉर कैंसर इन द मंथ ऑफ अक्टूबर. ये टिंसल टाउन टैरो इतनी सही डेक है ना, मैं क्या बताऊं, मजेदार एकदम. लेट्स चेक, लेट्स कट द डेक. पता नहीं कार्ड्स दिख रहे हैं कि नहीं, गॉड नोस, मैं ऐसे कर लेती हूँ. आई थिंक दिस इज बेटर. ये मेरा कुत्ता बहुत भौंकता है. फोर ऑफ पेंटिकल्स, ओके. Knight of Pentacles, Four of Swords. अरे 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 अरे, फोर फोर फोर. सी, आपके लकी नंबर्स बता देती हूँ इस मंथ. आपके लकी मंथ हैं, आपके लकी नंबर्स हैं फोर, विच इज़ 4, विच इज़ 12, 3, 2, 1. दीज आर योर लकी नंबर्स दिस मंथ. ओके, फोर ऑफ सोर्ड्स भाई. कैंसर, आराम से रहना है अक्टूबर मंथ में, आराम करना है, अच्छे से सोना है. 7 to 8 hours ऑफ स्लीप लेनी ही लेनी है. आराम आराम से रहो, कोई टेंशन नहीं लेनी है इस मंथ. लोगे टेंशन तो बीमार पड़ जाओगे, अभी से मैं बता रही हूँ, समझे. फोर ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है. लेट गो करना सीख लो कैंसर, अब इट्स हाई टाइम. जस्ट लेट गो ऑफ थिंग्स, लेट गो ऑफ थिंग्स, सिचुएशन, पीपल हु आर नॉट सर्विंग योर पर्पस. देखो, अगर आप रेत को,
बहुत ही क्लीशे एग्जाम्पल दे रही हूँ, अगर आप रेत को ज्यादा होल्ड करके रखोगे तो वो और आपके हाथ से निकलेगी, लूज रखोगे तो रेत आपके हाथ में ही रहेगी। समझ में आ रहा है? आप कैंसर कुछ लोगों के पीछे पड़े हुए हो, मुझे तो ये लोगों की एनर्जी बहुत ज्यादा स्ट्रांगली आ रही है। आप लोगों के पीछे पड़े हुए हो, जैसे कुछ दोस्त हैं आपके जीवन में जो आपको भाव नहीं दे रहे, जो आपसे बात करने में एकदम इंटरेस्टेड नहीं, बट आप उन्हें टेक्स्ट पे टेक्स्ट, कॉल पे कॉल करे जा रहे हो। सो काइंडली डोंट डू दैट कैंसर, हैव योर सेल्फ रिस्पेक्ट फ्रॉम नाउ। नाइट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, विच मीन्स दैट जो लोग जॉब ढूंढ रहे हैं, आप लोग की जॉब बहुत जल्दी मिलने वाली है, और मुझे जितना लग रहा है बहुत बच्चा बच्चे जो हैं उनकी पढ़ाई स्टार्ट होने वाली, आप लोग करियर अपने पढ़ाई में बहुत अच्छा करने वाले हो। एंड आई एम ऑल्सो सीइंग दैट सम गुड न्यूज़ इज़ कमिंग इन योर वे, सम कुछ कुछ फाइनेंशियल गेन्स आपके होने वाले हैं इस मंथ कैंसर। सो दिस वॉज योर जनरल रीडिंग, स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाइए, आपका इनर विजडम इंक्रीज होगा। वही ना, देखो इनर विजडम इंक्रीज होने का ये भी मतलब होता है, ओके दीज टू कार्ड्स, लेट मी एक्सप्लेन यू, लाइक आई एम जस्ट गेटिंग दिस वेरी वेरी नाइस मैसेज। देखो जब आपके अंदर एक इनर विजडम, एक इनर थॉट, वो चीज़ डेवलप होता है ना, तो आपकी ना आंखें खुलती हैं, अंतरात्मा की आंखें खुलती हैं, फिर आप ये देखते हो कि कौन आपका सजा वो है सखा है, सखा है आई फंबल्ड, आई थिंक कौन आपका सच्चा मित्र है और कौन आपका सच्चा मित्र नहीं है। स्पिरिचुअलिटी ऑल्सो कम्स विद द स्टाइल ऑफ डिटैचिंग द पीपल हु डजेंट सर्व योर पर्पज़, वही चीज़, यही मैसेज आ रही है। तो वही ना, आपके अंदर वो माइंडफुलनेस डेवलप होगी, फिर आप फालतू लोगों को हटाओगे अपनी लाइफ से, बोलोगे क्या है, वट इज दिस, इंस्टाग्राम पे 500 लोग बैठे हैं, 500 लोग आपको फॉलो करते, 500 में से शायद 5 लोग भी, शायद 5 लोग ही आपकी केयर करते हो, 5 भी मैं मैक्सिमम बोल रही हूँ, मैं सच बता रही हूँ, यू नो दीज फैक्ट्स। सो दिस वॉज माई रीडिंग, सो इफ यू लाइक माई रीडिंग, सो नो नो नो, लेट्स चेक द लव, लेट्स चेक योर लव लाइफ रीडिंग फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स। मैं तो भूल गई थी, यू कैंसर, वेलकम टू योर लव लाइफ रीडिंग। अगर आप किसी इंसान को लाइक करते हो, लव करते हो, उस इंसान को अपने माइंड में रखो और ये रीडिंग देखना स्टार्ट कर दो। वैसे जिसने जो मुझे पता है बहुत लोग जनरल रीडिंग देखने में इंटरेस्टेड ही नहीं होते, क्योंकि मुझे सब दिख जाता है यूट्यूब में, मुझे दिखता है कि आप लोग क्या देखना पसंद करते हो क्या नहीं, बट मैं जनरल रीडिंग इसलिए बनाती हूँ ताकि वो मेरा ऑब्जेक्टिव है यूट्यूब में, और लव लाइफ रीडिंग तो बनाना ही पड़ेगा, नहीं बनाओगे तो सब्सक्राइबर्स नहीं बढ़ेंगे। चलो ऑरेकल से चेक करते हैं लव लाइफ आपकी कैसी रहती है, सो लेट्स चेक। देखो जनरल रीडिंग देख लिया करो, मतलब जनरल रीडिंग है, इट्स जस्ट जनरल गाइडेंस, मतलब अगर वो थॉट लेके, वो चीज़ लेके आप चलोगे ना, मंथ आपका ही अच्छा जाएगा, और एक आइडिया रहता है कि चलो मंथ कैसा जाएगा। लेट्स चेक, अबैंडमेंट ले, सून लो, मेक द एफर्ट, ग्रेट 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 काम, स्टेबिलिटी, बॉटम ऑफ द डेक, चलो 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 चलो, नाइस नाइस कार्ड। मुझे तो लग रहा है आपका एक्स आपको बहुत सून टेक्स्ट और कॉल करने वाला है, ये आपका एक्स है जो आपसे रीच आउट करने वाला है। अबैंडमेंट इश्यूज हो रहे हैं कैंसर, आपको ऐसा लग रहा है आपको अकेलापन महसूस हो रहा है इस रिलेशनशिप में। मेक द एफर्ट का कार्ड है, पर मुझे लगता है ये आपका कार्ड नहीं है, ये आपके साथ पार्टनर का कार्ड है, बट वी विल चेक, वी विल चेक। डांट लगानी होगी तो मैं किसी को भी डांट लगा सकती हूँ। लेट्स चेक, एंजल्स हैव विंग्स, एंसेस्टर्स, लव लाइफ फॉर कैंसर इन द मंथ ऑफ अक्टूबर। जय श्री राम, जय श्री राम का नाम ले लो, एंड लेट्स डिस्कस द डेट, जय श्री राम। ओके, मेरे को तो मोबाइल में कुछ भी नहीं दिखता है, तो वाहियात फोन है मेरा। लेट्स चेक, एट ऑफ कप्स, पेज ऑफ पेंटिकल, द फूल, अरे बाप रे, ग्रेट ग्रेट, पेज ऑफ कप्स, बॉटम ऑफ द डेक, व्हील ऑफ फॉर्चून। ओके, बॉटम ऑफ द डेक ना देख लेना चाहिए, जो पता है। ये एट ऑफ कप्स क्यों आ रहा है भाई साहब? ये आपकी एनर्जी है, वही ना, आप वैराग्य होना चाहते हो। समथिंग इज नॉट राइट इन दिस रिलेशनशिप, आई हैव टू क्लैरिफाई सम कार्ड्स। दूसरा डेक निकाल लेते, चलो ओशो डेक निकाल लेते हैं, ओशो डेक भी अच्छी डेक है,
ओशो डेक निकाल लेते हैं. लेट्स चेक फ्यू कार्ड्स. एंड कैंसर, वैसे बाय द वे यू आर स्ट्रांगली डीलिंग विद अ कैप्रिकॉर्न एक्वेरियस एंड अ वर्गो. वर्गो एंड टॉरस, वर्गो टॉरस कैप्रिकॉर्न एक्वेरियस. कार्ड्स अपने आप फ्लिप हो रहे हैं. वाई एट ऑफ कप्स. एंजल्स, वाई एट ऑफ कप्स, वाई एट ऑफ कप्स, वाई एट ऑफ कप्स. जस्ट वन कार्ड. एंजल्स क्लैरिफाई मी द एट ऑफ कप्स. सी वन कार्ड फ्लू. हीलिंग लेफ्ट. ओके, डेविल का एनर्जी क्यों? वाई डेविल? क्लैरिफाई मी द डेविल. एंजल्स प्लीज क्लैरिफाई मी द डेविल. ये वीडियो लंबा होगा, आई नो दिस. क्लैरिफाई मी द डेविल. समझ गए. कैंसर, चलो आपसे शुरुआत करते हैं. आपको ऐसा लग रहा है कि इस रिलेशनशिप में कुछ नहीं बचा है. यू थिंक दैट नथिंग इज लेफ्ट इन दिस रिलेशनशिप. यू थिंक दैट थिंग्स वॉन्ट वर्क आउट. सो इट्स बेटर दैट आई शुड मूव अवे. आई शुड फोकस ऑन माई सेल्फ. आई शुड फोकस ऑन माई हीलिंग. ये हीलिंग की एनर्जी बहुत आ रही है आपकी. बहुत लोग अकेला रहना चाहते हैं अब. सो दिस इज योर एनर्जी. टू बी ऑनेस्ट, पेज ऑफ पेंटिकल का कार्ड है विद सून. मैं आपको बोलूँगी कैंसर, अभी आप मूव ऑन मत हो. यस, मैं वैसे जनरली प्रमोट करती हूँ ब्रेकअप्स एंड मूव ऑन करने की, बट आई वुड से दैट प्लीज डोंट मूव ऑन. प्लीज गिव दिस रिलेशनशिप अ सेकेंड चांस. यस, यू हर्ड दैट राइट. प्लीज गिव दिस रिलेशनशिप अ सेकेंड चांस. म्यूचुअल एनर्जी डेविल टॉक्सिक विद द मास्टर कार्ड. देखो, म्यूचुअल एनर्जी अच्छी नहीं है. आई अंडरस्टैंड दिस. म्यूचुअल एनर्जी इज नॉट गुड. Relationship is going downhill. It's not going good. But I would, you know what I should tell you, honestly. Fool ka card hai, bhai. Take a leap of faith one more time. Just for the last time. For your own sake. For the sake of yourself. Take a leap of faith. Which means that, is relationship ko, apne partner ko ek dobara chance do. They deserve that. You deserve it. This relationship deserves it. क्योंकि फ्यूचर बहुत अच्छा है. पेज ऑफ कप्स का कार्ड है. एवरीथिंग विल गो बैक टू नॉर्मल. विल गो बैक टू नॉर्मल. सब कुछ ठीक हो जाएगा फ्यूचर में. मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगी 31 अक्टूबर तक चीज़ें देख लो. अगर चीज़ें वर्कआउट नहीं करती तो मूव ऑन करो, बट नॉट विथ अ हैवी हार्ट, बट विथ अ गुड हार्ट. एटलीस्ट ये तो होगा आपके माइंड में कि हाँ, मैंने अपनी मेहनत की है. एंड पेज ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है. इट्स अ, देखो आई विल से कि वो आपको लव तो नहीं करते. लव तो आप भी नहीं करते हो. लव वाली एनर्जी तो बिल्कुल नहीं है इस रीडिंग में. देर इज नो लव. देर इज लाइकनेस. देर इज लास्ट. देर इज अट्रैक्शन. बट देर इज नो लव. एक होता ना लव, लव वो चीज़ नहीं है. वो चीज़ धीरे धीरे डेवलप होगी एंड इट विल टेक टाइम. सो ये जो अबैंडमेंट है ना, ये आई एम गेटिंग फ्रॉम द पॉइंट दैट आपकी, आप इतने इमोशनल हो, आप इतने इमोशंस शो करते हो, आपको इन रिटर्न वो चीज़ नहीं दिखती है. So that is why you are like, you are moving away. और मैंने आपको general reading में भी ये सलाह दी थी कि जो लोग आपको आपको भाव नहीं देते, आपसे बात नहीं करते, या आपका purpose serve नहीं करते, उनसे move away करो. But in this case, I would suggest you कि एक month और दे दो इस relationship को. एक महीना और दे दो. एक महीने में चीज़ें नहीं ठीक होती तो जो आपका दिल करे वो कर लो. मूव ऑन कर लो. ब्रेक अप विद देम. बट एटलीस्ट गिव देम वन चांस. आई एम सीइंग a good future. I'm seeing a good faith. I'm seeing a good thing happening. और जो टॉक्सिसिटी चल रही है वो बंद करो. वो आपको पता है कि क्या टॉक्सिसिटी चल रही है. कंट्रोलिंग. आई डोंट नो वाई योर पार्टनर और इधर यू आर वेरी कंट्रोलिंग. कंट्रोलिंग की भी एनर्जी आ रही है. कंट्रोलिंग कम्स इन द टॉक्सिक ट्रेड. सो स्टॉप कंट्रोलिंग सिचुएशन. लेट्स, मतलब टाइम दो, देखो दिन, देखो क्या होता है. And then take a decision after 31st of October. Give this relationship one more chance. I hope you like my reading. So if you liked it, so please like, comment, share and subscribe to Floral Tarot Reader. Bye-bye.